पंजाब सरकार की स्कीम के खिलाफ पब्लिक ट्रस्ट लिटिगेशन जी है वो दाखिल की गई सी, जिसके मद्देनज़र सरकार 15 दिन का जवाब होर चाहती है कि 15 दिन का वक्फा दिता जाए। पंजाब डी जी ने कहा है कि एफीडेविट जो दाखिल किया जाएगा। दरअसल स्कीम तीर्थ यात्रा स्कीम से जिसकी शुरुआत हाल ही की घड़ी पंजाब की हुकूमत वालों की गई सी। तो पंजाब सरकार के वकील हाईकोर्ट एफीडेविट फाइल करेंगे, पर 15 दिन का होर समा पंजाब की सरकार ने मंगया है। दरअसल तीर्थ यात्रा स्कीम के मसले पर PIL दाखिल करने की जी ग्राउंडिंग से इस तरीके सी कि सरकार 40 करोड़ तो वध की राशि इस स्कीम से खर्च कर रहे, जबकि होर काम भी पंजाब अधूरे पाए हैं। तो सरकार 15 दिन का समा मंग रही है। तलख टिप्पणियां हाईकोर्ट दी सी कि जेकर सरकार जवाब ठोस तरीके दाखिल नहीं करेगी तो इस स्कीम रद्द भी कर सकते। रोहित बंसल इससे ज्यादा जानकारी दी सकते। रोहित की कुछ अपडेट इस खबर से हो रहा जी कृष्ण? बिल्कुल, जेकर गल की जाए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की, तो पंजाब सरकार के वलों 27 तरीक न यात्रा की जी शुरुआत है वो की गई सी, और करीब जी फरवरी महीने तक यात्रा इसी तरीके दे नाल जारी रहेगी। पर एक PIL दाखिल की गई, जिस दे विच कहा गया कि सीधे तौर पर स्टेट के पैसे का नुकसान है जिहड़ा वो इस दे जरिए किया जा रहा है। तो इस तो बाद कोर्ट के वलों पंजाब सरकार को जवाब सरकार के AG के वलों अज कहा गया कि असी ये यात्रा हुण शुरू कर चुके हैं, बहुत एक ट्रेना रवाना हो चुकी ने, अगलिया ट्रेना की बुकिंग चल बुकिंग हो चुकी हैगी, और बहुत सारे यात्री है जिहड़े वो हर रोज रवाना हो रहे हैं। तो अजे इस स्कीम के उपर रोक लगाना मुश्किल है। दूसरी चीज है कि पंजाब सरकार अपने लोगों की भलाई दे लई लगी हुई है, खास तौर पर जिहड़ी डोरस्टेप डिलीवरी का जिक्र किया गया, 38,000 नौकरियों का जिक्र किया गया कि 38,000 के करीब नौकरियां जिहड़ियां वो दित्तियां जा चुकी हैं। तो कोर्ट के वल्लों कहा गया कि जिहड़ियां भलाई स्कीमां का तुसीं जिक्र कर रहे हो इसका एक एफीडेविट है जिहड़ा वो सानूं दिता जाए। तो 15 दिन का समा होर दे दिता गया, पर लगभग लग रहा कि अगले महीने के जिहड़े विच इस मामले के उपर सुनवाई होएगी, और उदों तक पंजाब सरकार के वल्लों कोर्ट के विच एफीडेविट दिता जाएगा कि असीं हुण तक किन्नियां नौकरियां दे चुके हैं और असीं वख-वख भलाई स्कीमां जिहड़ियां कहड़ियां लागू कर रहे हैं। क्योंकि इस दे विच कहा गया कि लोग बेरोजगार ने पर यह यात्रा से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो जिस दे जवाब दे विच कोर्ट दे वल्लों कहा गया, कोर्ट दे विच कहा गया कि असी स्कीमा भी चला रहे हैं और साडे कोले पैसा भी है। तो हुण देखना होगा कि कदों तक जिहड़ी अगली सुनवाई की तरीक निश्चित होंदी है और पंजाब सरकार दे वल्लों जवाब तलब किया जाता है। जी बिल्कुल, रोहित लाइन दे रहे हो। एक बार मुड़ तो दस दिए कि पंजाब की सरकार ने जवाब दाखिल करने 15 दिन का समा मंगया है। तो अगली वड्डी खबर रुक रही है। तो 107 करोड़ दी तरपालां दे मसले ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह सैकटरी गुरकीरत किरपाल तो जानकारी मंगी है। दुगने रेट से 107 करोड़ दी तरपालां खरीदिया गई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने गृह सैकटरी तो जानकारी मंगी है कि ब्यौरा दिता जाए आखिरकार किस तरीके दे नाल करोड़ों रुपए का समान खरीद लिया गया। 71 तो टेंडर संबंधी रिपोर्ट मंगी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शक्की टेंडर के मद्देनज़र तरपाला खरीदे जाने की प्रक्रिया रोकी है। गृह सैकटरी तो इस संबंधी जानकारी मंगी गई है। दोगुने रेट दरपाला खरीदने के खदशे चलद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रिपोर्ट मंग रहे हैं। आखिरकार 107 करोड़ दरपाला की खरीदो फरोख्त के मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुछ जरा बयान करना चाहते हैं। CM कह रहे हैं कि तरपाला खरीदने के खदशे के चलद जिड़िया दुगने रेट से खरीदिया गई जिड़िया कि सही रेट से खरीदिया जा सकती सी। तो सैकटरी ग्रह तो टेंडर संबंधी रिपोर्ट मंगी है कि आखिर मार्केट प्राइस की सी, किन्ने प्राइस से खरीदिया गई, किन्ने रेट से खरीदिया जा सकदियां सी। तो शक के चलद टेंडर शक के चलद एक रिपोर्ट मंगी गई है। एक्शन टेकन रिपोर्ट की कुछ होएगी इस जानकारी की सज पाने लिए रोहित बंसल ज्यादा जानकारी सज पा। रोहित की कुछ जानकारी मुख्यमंत्री दोगुने रेट का जिक्र करना क्यों पाया? जी बिल्कुल, देखो कृष्ण, जिस तरीके 107 करोड़ के करीब जिहड़ियां तरपालां सी ओह पंजाब दे विच खरीद की गई, और लगातार ये शिकायतां चल रही सी कि जिहड़ियां तरपालां दे रेट है वो नॉर्मल रेट तो बहुत ज्यादा रेट के उपर खरीदिया गई ने, क्योंकि अलग अलग जिहड़े टेंडर ने वो दिते जांदे ने खरीदो फरोख्त दे लई। तां जेहे दे विच हुण इस चीज़ का जदों गलबात सही, तो मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों निर्देश दिए गए हैं कि गुरकीरत किरपाल जिहड़े सैकटरी ने उन्होंने वल्लों इस चीज़ की जांच की जाए कि तरपाला किन्नियां खरीदिया गई, की उहदा जेन्युइन रेट सी और किन्ना रेट जिहड़ा वध सीगा वो किया गया। तो इस पूरे मामले दे विच इक जिहड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट हैगी वो गुरकीरत किरपाल तो मंगी गई है। पंजाब दे विच जिहड़ियां अनाज मंडियां आउंदियां जदों बारिश आउंदी है तां उहनां नूं कवर करन दे लई जिहड़ियां बोरियां इक तरपालां दी जिहड़ी खरीद उह कीती जांदी है, पर इस चीज़ दे विच जिहड़ा इक वड्डा घोटाला हैगा वो नजर आ रहा है, क्योंकि दसंबर 2022 दे विच ही पंजाब सरकार ने कह दिता सी कि तरपालां दी खरीद उपर रोक लगा दी जाए, पर इसके बावजूद की खरीदियां गईयां और टेंडर कित्थे कित्थे अगे वधाए गए उन्हां तमाम चीज़ां दी जिहड़ी जांच है वो की जाएगी कि नॉर्मल रेट इहनां दा की सीगा
और किन्नियां ज्यादा वध के खरीदियां गईयां और केड़ी केड़ी जगह दे उपर खरीदियां गईयां, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच अलग अलग जिलों दे विच जिहड़े इसदे टेंडर ने उह कीते जांदे ने, तां जी इहदे विच देखणा होगा कि किन्ना कु वड्डा जिहड़ा घोटाला हैगा उह इस मामले दे विच नजर आ रिहा है। जी कृष्ण, रोहित, कोई टाइम बाउंड जानकारी है जां कोई लिमिटेड समय कि किन्ने समय च जिहड़े आ सैक्टरी उह रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर नूं करनगे? कृष्ण, इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया रोहित, एक बार मुड़ तो दस दिए कि उस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा जिहड़ी कि सैकटरी होम दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सबमिट करवाई जाएगी। 107 करोड़ दे तरपालां दे मसले ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टेंडरिंग सिस्टम ते सवालिया चिन्ह खड़ा किया।